पितरों का मोक्ष हो और घर में कर रहे बोलो। आपकी कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ शिवरात्रि के दिन 1 साल का पूरा। हमने लिख के दिया था पहले, क्या कहा था? बच्चा होगा, बच्चा होगा शिवरात्रि के दिन 1 साल का पूरा हो, बच्चा होगा शिवरात्रि के दिन 1 साल का पूरा हो गया। अरे हम तो ये पूछते नहीं किसका काम हुआ किसका नहीं हुआ, जो सामने में सागर बोल दिया। हम तो इतना पूछते हैं काम किसका नहीं हुआ वो खड़े हो जाएं। ये दुनिया में कोई नहीं पूछता सिवाय पंडुकर सगा के दरबार के अलावा। 38 साल की उम्र में गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से हुआ, पहले एक बच्ची थी। वाह, अब हमने ये लिखा है आपके पूर्वज एवं पितरों की शांति होकर मनोरथ पूर्ण होगा। आपके घर में प्रेत महाराज व नांग देवता कालका माई आपकी कुल देवी हैं, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जय जय पंडित हनुमान जी कृपा से कालका माई और नांग देवता आपकी जो देवता हैं, जो पितर हैं, जो भैरव भी साथ में हैं, इनकी कृपा जागृत होगी, आशीर्वाद है। और जो पुरुष में जो तुम्हारे बाबा जी हैं, एक तुम्हारे भाई भी हैं, वो भी पितर बने हैं, राइट? बोलो हाँ या ना। अरे पुत्र सुनो, आपके भाई भी पितर बने हैं, आप कहोगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। वैसे तो हमने जो मुकेश और संजय का नाम जिक्र हुआ है, ये नाम के दो भाई आपके मरे हैं। जी मैं ताऊ जी के लड़के, हैं ताऊ जी के लड़के। क्या क्या नाम था? मुकेश और संजय, और जवान ही थे वो। तो हम बोल तो रहे हैं जी गुरु, इनकी कैसे पूजा पाठ की जाए? ये तो पितर हैं जी। जाओ घर में सुख शांति होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें और हमारी गारंटी ये शक्तियां जागृत होंगी, आशीर्वाद है, जैसा हमने लिखा है, आपने सब लास्ट प्लेन पढ़ी थी। और हनुमान जी कृपा से चकाचक होगा, ये मंत्र करने से शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। और मंत्र जो आया है वो है ओम क्रांग, मैं पढ़िए, ओम क्राम क्रीम क्रूम फट फट कुरु फट गुरु गुरु स्वाहा। थोड़े दो नहीं बोलना, पूरा नहीं बोलना है ना। तीन रामायण 3 दिन का हवन, 3 नाय वंदन करना है। गुरु कृपा से शीघ्र ही आपके पितृ आदि मान जाएंगे, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडो का सरकार की। इस मंत्र को नियम से करना है और हमारी गारंटी है आपके जो पितृ इत्यादि हैं समाधान होगा, मुकेश और संजय और जे भैरव बाबा और नांग देवता इत्यादि जो हैं वे सभी शक्तियां जागृत होकर के काली की भी कृपा होगी, आशीर्वाद है। और घर में जागृत होंगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है तभी सफलता मिलना संभव है, अन्यथा नहीं मिलेगी। जाइए। हाँ वो तो तभी तो सफलता मिल गई। चलो हो जाएगा, कह रहे 45 लाख का कर्ज है वो और चुक जाए। चलो भैया कोई बात नहीं, जाओ बोलिए भैया क्या बात है। मेरा बेटा 29 जुलाई से पता नहीं अधिक मास में गई थी मथुरा से, लापता है। क्या नाम है उसका? नाम गोलू है, वो वैसे घर पे गोलू की थी, वो वैसे नीरज नाम है उसका। कहाँ से गया? मथुरा के ट्यूशन से। पढ़िए, गोलू उर्फ नीरज लापता है, मथुरा से गया है, लड़की की चक्कर में फंसा, वह बंधक है, मिल पाना हाल में संदेह है, आगे ईश्वर मालिक पढ़ लीजिए। देखो रोने गाने से काम नहीं चलता भैया, पहले पढ़ो भैया, रोने के लिए नहीं आए। ऐसे तो लोग मुस्लिम में कई लोग बेवकूफ बना देते हैं। पर्चा पढ़ो, आईज कॉन्टेक्ट नजर होना चाहिए तप्ती पर, ये देखना चाहिए कि पूरी लाइन भरी कि नहीं भरी, कोई खाली तो नहीं, ऐसा तो नहीं पूछ के कहीं घुसेड़ दिया जाए। और कई बाबा यही कर रहे हैं, राघवेंद्र सरकार भैया आपसे बोल रहा हूं, अपने राघवेंद्र भैया से, कई बाबा यही कर रहे हैं, पर्चा यूं दिखाते ही नहीं कि काऊ की आंखें पढ़ पाए। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आपका बच्चा मिल जाएगा, मैं इसके लिए कुछ क्रिया करता हूं, इसके लिए विधि करता हूं, इसको नियम से करें। भैया पैर मत छूइए, आ भैया हमारी गारंटी है इसका रहस्य खुल जाएगा, लेकिन मोहिनी वशीकरण यानी लड़की की चक्कर में गया है, ये मंत्र करना भैया। ओम क्लीम फट कुरु कुरु स्वाहा, 3 रामायण 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। अरे कर हो तो मिल जाएगा, नहीं कर तो हमारा का ले जाओगी, हम तो अपनों बता सकते, फोटो ले आओ, कपड़ा ले आओ, नहीं पे बंधन करो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आतिमान जी महाराज की। पर्चा तो स्क्रीन पर जा ही चुका होगा, आप लोग पढ़ ही पा रहे होंगे, देखिए मेरी बात पढ़ पा रहे हैं पर्चा पे जो पढ़ पा रहे हैं आप लोग। मैं ऐसी कोई राइटिंग नहीं लिखता, ऐसा कोई शब्द नहीं लिखता जिससे आप पढ़ ना पाओ। मैं पर्चे पे इतना बड़ा बड़ा लिखता हूं जैसे प्राइमरी का बच्चा लिखता है ना,
ऐसे ऐसे हमने बताई, वो नहीं सुनी तुमने, गोली चलवा दो, कहोगी मोड़ी को बदनाम करवा दो, मोड़ा भगा ले जाए या मोड़ा फंस जाए। बता दिया कि फोटू कपड़ा नीम पे बंधन कर दो, तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। वैसे तो मिलने की स्थिति में नहीं है, कृति ही गलत किया है, उसका दंड पनिशमेंट तो मिलता है। माइक से बोलो, कहां से आयो? हे भगवान, लो बोलो। जिला संभल ओपी। हाँ, क्या क्या परेशानी लेके आए, माइक से बोलिए। पहला उत्तर मेरा भाई का है। क्या हो गया भाई को? आउट बना है, वो मिल जाना चाहिए। हैं? मेरा भाई मिल जाना चाहिए मुझे। आपका भाई मिल जाना चाहिए, भाई का नाम? ऋषिपाल। ऋषिपाल, क्या हो गया था ऋषिपाल को? खत्म हो गया था, मुझसे छोटा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश है। अच्छा, और क्या भाई हैं आप? मैं अकेला हूँ अपनी माँ का, एक भाई है वो 100 क्लास 100 के लिए माँ मेरी। क्या नाम उसका? संजीव। संजीव की नौकरी चाहिए? नहीं, लविस की भी, बेटे की नौकरी चाहिए मुझे। लविस? लविस। लविस कौन है? मेरा बेटा है। लविस तो मैंने अभी भी बोला था इसके पहले, तो ये पर्चा तो ये है। हाँ बोलो, दोनों पर्चा तुम आए हैं, और बोलो। और घर की परेशानी है कुछ? हमने जो लिखा वो सुने यहाँ पहले, हमने जो लिखा वो सुने, पहले स्क्रीन देखिए। महाराज मेरे अबूत को खोल दो बस। चलो पहले पर्चे देखो, बताता हूँ आपको। अबूत खोलता हूँ, तुम्हें खोल दूंगा संगे। हमें लिखा सुने, लवेश कुमार की जॉब होगी, आपकी कामना पूर्ण होगी, बालक की जॉब होगी, माँ का नाम मुन्नी देवी है, मृत्यु हो गई, बहन की पुत्री, समझ रहे हैं, माँ का भाई मरा, वह शीघ्र घर में जन्म लेगा और आपके पितृ खुल जाएंगे, आशीर्वाद है। आउट खुल जाएंगे, भूत खुल जाएंगे, प्रेत खुल जाएंगे, सब खबीज खुल जाएंगे, सब खुल जाएंगे। चलो, और घर में जो परेशानी है, जाओ हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा से तत्काल लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। और आपके घर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आशीर्वाद है।